नमस्कार। आज का हमारा ये कार्यक्रम एक स्किल डेवलपमेंट की तरह आयोजित किया जा रहा है, गवर्नमेंट की योजना है बाल सभा। इसमें जो कंपटीशन का नाम दिया गया है वो है चित्रकला प्रतियोगिता। इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने के लिए बच्चों को दिए गए हैं और इस चित्रकला प्रतियोगिता में जो भी प्रथम आएगा उसको कुछ इनाम भी दिया जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम को, इस कंपटीशन को सारे बच्चे ध्यान से करें और हम बात करते हैं आगे सदन के लोगों से कि सदन वाले इस बात का ध्यान रखें कि आपके सदन का नाम और आपके लीडर का नाम और आपने क्या बनाया है, ये आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा। तो ये हम आ रहे हैं फर्स्ट, आपका सदन कौन सा है? सरदार पटेल, वेरी गुड। तो आपने क्या बनाया है? भगत सिंह और ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल, वेरी गुड। सावित्री बाई फुले, पहली शिक्षिका, वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो सदन आ रहा है ये कौन सा सदन है? सरदार पटेल। अच्छा, ये भी सरदार पटेल है। आप क्या बना रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। और आपका आपने चित्र भी सामने रख लिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट ये कौन सा सदन है? लक्ष्मी बाई, वेरी गुड। तो आप क्या बना रहे हैं? चाचा नेहरू। और ये क्या बना रहे हैं? दूसरा क्या है? सावित्री बाई फुले, बहुत बढ़िया। और इसके बाद आगे आप लोग क्या छिपा रहे हैं, है ना? ये तो अच्छी बात नहीं है। सदन का नाम? रानी लक्ष्मी बाई। क्या बना रहे हैं? झांसी की रानी। बुंदेले हर बोलो के माँ, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वेरी गुड। और ये चित्रकला को कुछ ज्यादा बेहतरीन लग रही है, सारे लोग भाग ले रहे हैं, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। तो ये सदन के बारे में हम जान सकते हैं, सदन कौन सा है? भगत सिंह सदन, वेरी गुड। तो बना भी क्या रहे हैं आप लोग? वाह, वेरी गुड। जिस सदन का नाम भगत सिंह और चित्र भी भगत सिंह, इसके अलावा और भी मेरे को देख रहे हैं, तो ये क्या है? रानी पद्मावती, वेरी गुड। और ये क्या है? सर्वपल्ली राधा कृष्णन, वो सरमारे की लड़की है ना, लेकिन एक्टिंग सारी लड़कों जैसी है, फिर भी शर्मा रही है। महात्मा गांधी, देश को आजाद कराने वाले लीडर, वेरी गुड। इसके बाद ये बहुत सारे बच्चे एक पेंटिंग पर सारे बच्चे घूम रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। लेकिन मुझे इसलिए लग रहा है कि भाई चित्र किसका है, पहले बताओ। गांधी जी का, महात्मा गांधी। और तुम्हारे सदन का नाम? वाह, वेरी गुड। मतलब सदन का नाम अंबेडकर और आपने जो चित्र बनाया है वो महात्मा गांधी, क्या बात है। ये तो सोचने वाली बात है, वैसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन बाद में समझ में आएगी ये बात, लेकिन बड़े लोगों को समझ में आएगी जब ये वीडियो जा रहा है, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो आगे की बात करते हैं, तो ये सदन कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वेरी गुड। तो आप लोगों ने भी चित्र 4-5 बनाए हैं, तो सारे चित्रों के नाम बताएंगे आपने क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले अच्छा रानी लक्ष्मी बाई, और ये सेकंड है ना, भारत माता की जय हो, वेरी गुड।
और अभी एक और क्या बना रही है, क्या कृष्णा, राधा कृष्णा, कृष्णा जिसकी सोलह हजार रानिया, वेरी गुड, सोलह हजार आठ, वाह वेरी गुड। कहने का मतलब क्या है, सारे बच्चे कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन में भाग सहभागिता निभा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कितना बढ़िया कार्यक्रम सरकार के द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है, और आने वाली जो नस्ल है वो ऐसी नस्ल है कि भाई इसके डेवलपमेंट में काम होगा, क्योंकि आने वाले समय में नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो उनको एक स्वरोजगार मिले, आत्मनिर्भरता का पाठ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करके अपने लिए एक ऐसा साधन या ऐसा उपयोगी साधन जिससे क्या है वो अपने आने वाले समय को या फ्यूचर को बना सके। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, और मैं तो ये कहूंगा कि इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते रहे तो आप हमको धन्यवाद देने का भी कष्ट करें, और हमारे इस वीडियो को सभी जगह शेयर भी करें, हर बच्चे के माता पिता तक जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।